यार हमारी फ़ौज अल्लाह का शुक्र है दुनिया की नंबर वन फौज है और इंशाल्लाह ये रहेगी। क्या माचो उधर है सच्ची में? गूगल में भी उनके लोग ही हैं। गूगल सारा उनका ही चल रहा है। गूगल का सही हो इंडियन है वही ना, वो सारे उन्हीं के, जब प्लानर सारे उन्हीं के होंगे तो बातें भी उन्हीं की करेंगे ना। गजब टूबी बाज आदमी जी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं आने वाले टाइम्स के अंदर टेक्नोलॉजी में? इंशाल्लाह, इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे इंशाल्लाह। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक ज़माना था जब भारत पूरी दुनिया से हथियार लिया करता था और बदले में उनको डॉलर दिया करता था, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अब हम 21वीं सदी में चले गए। जैसे 2014 के बाद में नई सरकार, मतलब कि मोदी सरकार का गठन हुआ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तब से हम नित नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनमें से एक ये भी है कि भारत पहले जहाँ हथियार खरीदता था, अब दुनिया को बेचने के लिए तैयार हो चुका है। ये हम भारतीयों के लिए तो बहुत गुड न्यूज है और हर भारतीय इससे खुश भी है कि अब हम हथियारों का भी एक्सपोर्ट करेंगे और हम एक्सपोर्टर बनेंगे, ताकि बाहर का डॉलर हमारे इंडिया में आए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। लेकिन भारत की खुशी हमारे एक पड़ोसी मुल्क को कहाँ बर्दाश्त होती है? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती पाकिस्तानियों को, तो वो बर्दाश्त करेंगे भी क्यों? क्योंकि हमारे वो कट्टर रियायती हरीफ है, हमारे दुश्मन है। सही बात है। तो पाकिस्तान के पत्रकार पाकिस्तान की आवाम के बीच में निकले हैं जानने के लिए कि भारत हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम की क्या राय है, और वहां मिल गए हमें दुनिया के सबसे समझदार इंसान। इतने समझदार इंसान सिर्फ बेहतर हुरो के मुल्क में ही मिल सकते हैं, वो है पाकिस्तान। तो फिर मनोरंजन में देरी किस बात की भाई, चलते हैं पाकिस्तान। नाम आपका? आदिल। करते क्या हैं? हिलाते हैं। जॉब करता हूँ। कहाँ पे? बाथरूम में। इसका आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने अपने रिसेंटली अपना एक मिसाइल बनाया कि जिसका नाम है ब्रह्मो मिसाइल। अच्छा। और वो मिसाइल बनाया तो दुनिया में एक तहलका मच गया कि हर कोई कंट्री चाहता कि वो मिसाइल हमारे पास भी आए। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने एक्सपोर्ट किया मलेशिया को। अच्छा। मलेशिया के बाद अभी दूसरी और कंट्री से जो कि वेटिंग लिस्ट पर लगी हुई हैं, इंडिया उनको भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। क्या समझते हैं आप कि हमें क्या कुछ सीखना चाहिए जो कि हमारे रिसेंटली पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, इन सब के बीच में हम क्या अपने डिफेंस सिस्टम पर इतना गौर कर पा रहे हैं जितना कोई इंडिया कर रहा है? नहीं, माशाल्लाह हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। इससे बेटर गू खा लेता। हाँ भाई हाँ। अरे बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कम नहीं है मेरे ख्याल से, उनके डिफेंस सिस्टम से बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई सेंस है इस बात और नहीं तो क्या है? इंडिया वालों तुम हो क्या? तुम्हारा डिफेंस सिस्टम है क्या इन पाकिस्तानियों के आगे? हाँ भाई हाँ। किस तरह से? उनके पास कोई ऐसे बंदे नहीं है जो बेसिकली जो हमारे लोग हैं जैसे फौज के हैं, वो शहीद होना फख्र समझते हैं। उनके पास बुज़दिल लोग हैं, वो लोग जितना मर्जी बड़ा हथियार ले लें, हथियार को चलाने के लिए बंदा चाहिए, वो उनके पास लोग नहीं हैं। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। लो इंडिया वालों, तुम्हारी फौज बुज़दिल है और तुम्हारी बुज़दिल फौज के अंदर इनके 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया था 1971 में। चार जंगे लड़ चुके हैं, चारों में मुंह की खाई है, लेकिन तुम्हारी फौज है बुज़दिल और इनकी फौज है दिलेर, जान हथेली पे रख के चलने वाली। क्यों नहीं? 90,000 जंगी कैदियों को वापस लाया, उस मुल्क को इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया कि उसको गद्दार कहा जा रही है। उस शख्स को जिसने मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया, उस शख्स को गद्दार कहा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कश्मीर में कारगिल की जंग भारत के पेट में छुरा घोंपने के मुतरादिफ, यानी पाकिस्तान ने भारत के साथ ये जंग करके अच्छा नहीं किया, ये कहेंगे। और यही नहीं, नून लीग के कायदे इस पर भारत से शर्मिंदा भी हैं और भारत से माफी भी मांगते हैं। लेकिन भाईजान, तौबा 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 तौबा, इतना मारा इतना मारा। अभी तो बंदों वाली काम ही नहीं रह गए, अभी तो टेक्नोलॉजी आई है, अभी तो ऐसे 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 रॉकेट्स, ऐसे ऐसे मिसाइल्स और ऐसे ऐसे
एयरक्राफ्ट इन्वेंट कर रहा है इंडिया कि वो वहाँ पर बैठे हुए ऑटो टेक ऑफ कर सकते हैं, ऑटो लैंड कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जिस तरह की इंडिया कर रहा है? मेरे ख्याल से कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है। स्लो है भैया, स्लो। थोड़े दिन में यूएस पूरी दुनिया से आगे निकल जाएगा पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के अंदर। चल झूठा, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज भी बड़े हैं हमारे, बजट इशू ये वो हर चीज़ देखते हुए मेरे ख्याल से कर रहा है, लेकिन उस स्पीड में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इतना कम भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला भी हमारी मदद करने वाले हैं। उनकी बड़ी चीज़ें अच्छी से अच्छी भी फेल हुई हैं और हमारी छोटी सी छोटी चीज़ें उन्होंने बहुत काम किया है। अल्लाह ने दुनिया में बड़ी इज्जत दी है, बस हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है। हर बंदा एक पेज पे हो, पॉलिटिकल हो, फौज का हो, ब्यूरोक्रेट, जो भी लोग हैं वो एक पेज पे होंगे तो फिर जाके हमारा मुल्क तरक्की करेगा। पेज पे लाने की क्या जरूरत है, अल्लाह करेगा ना भाई। अल्लाह ही तो कर रहा है, अल्लाह ही तो तुम्हें चला रहा है। अल्लाह के भरोसे बैठे हो तब तुम्हारा ये हाल है, क्या मालूम अल्लाह तुम्हारे भरोसे बैठा हो। हर कोई बंदा जो है वो अपनी अपनी सीट की लालच में है, पैसे की लालच में है। पाकिस्तान उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है, अपना पैसा, बाहर रहना, नेशनैलिटी हर किसी के पास है। अगर ये बंदा हम जैसे लोग आप जैसे हैं, सही बात है, बिल्कुल सही पर ही है जो भी है। तुम अकेले गरीब नहीं हो भाई, पूरा पाकिस्तान मुल्क ही गरीब है और ये सब अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह चाहता है तुम गरीब रहो, तुम बेहतर हूरों के सपने देखो, वो भी 133 फीट वाले की। कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियों होंगी, जन्नत की खूबसूरत लड़कियों होंगी, जन्नत की खूबसूरत लड़कियों। एक सौ तीस फुट जन्नत की लड़की। अल्लाह इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। अरे अल्लाह तुम्हें भी 130 फुट कर देगा। अरे अल्लाह तुम्हें भी 130 फुट कर देगा। आर यू कॉमेडी? आर यू कॉमेडी? जिस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आपको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान भी श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह नहीं चलेगा, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हमारा डॉलर 200 पर चला गया है, इंडिया जब श्रीलंका का डॉलर 400 पर चला गया था तो उनके भी अभी देख रहे हैं कि आप खाना जंगी चल रही है श्रीलंका में। श्रीलंका के डे बाई डे हालात ख़राब होते जा रहे हैं। उनके जो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने 70 साल उस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, वो भी मुल्क छोड़कर भाग गए थे। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं होगा, अल्लाह ना करे थोड़ा पीछे हो जाएगा सब? इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो है एक तो अल्लाह मददगार है हमारा, ठीक है, और ऊपर से ये जो हमारे जो ये जो फोर्सली हुकूमत आई है ना हमारी, क्योंकि ये हमने तो डिसाइड नहीं किया इनको, हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। आप पर्सनली किसको लाइक करते हैं, कौन से पॉलिटिशियंस को? यार जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है ना, कौन है वो? अभी मुझे जैसे हालात चल रहे हैं ना, हर बंदा बदल हुआ है। नून लीग को देखो, वो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, अंदर के हालात हमें नहीं पता। पीटीए को देखें, वो बहुत बड़े बड़े दावे करती है। पीपीपी को देखें, पीपीपी की तो छोड़ें, ये दो टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं आने वाले टाइम्स के अंदर टेक्नोलॉजी में? इंशाल्लाह, इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे, इंशाल्लाह। वाह क्या गांडू है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे। अभी देखा जाए तो रिसेंटली जो फैक्ट्स बताते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यार इंडिया वाले बताते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। उनका जो मीडिया है ना, वो हाइप बहुत क्रिएट करता है। वो कहता बस हमने आसमान को छू लिया, हम चांद पे चले गए हैं, वो ज़मीन पे ही। अरे मेरे भाई चांद तो छोड़ो, हम तो मंगल तक चले गए हैं। तुम कहाँ हो? तुम अभी भी बेहतर हूरे ढूंढ रहे हो और अभी भी चपटी दुनिया में ही घूम रहे हो। क्या बात है। एग्जैक्टली बात तो आपकी ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स बताते हैं, गूगल भी तो बड़ा चढ़ा कर तो नहीं बोलता हूँ। गूगल में भी उनके लोग ही हैं, गूगल सारा उनका ही चल रहा है। गूगल का सही हो इंडियन है, वही ना, वो सारे उन्हीं के, जब प्लानर सारे उन्हीं के होंगे तो बातें भी उन्हीं की करेंगे ना भाई। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। पाकिस्तान को तो उन्होंने नीचा दिखाना ही दिखाना है,
हर चीज़ में वो, हालांकि अगर हम उनसे थोड़ा ऊपर भी हैं, वैसे हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम अंदरूनी तौर पे उनसे थोड़ा ऊपर भी हैं तो वो डिफीट हमें अंदरूनी तौर पर नहीं ना है। अगर अब अगर पैसे की वैल्यू की बात करें तो हमारा जो उनका एक रुपया हमारे ढाई रुपये बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आ गया या इंडिया आ गया? एजुकेशन सिस्टम में यार उनकी जो है जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, उसका मैं इतना आइडिया नहीं लगा सकता क्योंकि मैं इतना कोई मुझे नॉलेज। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट तकरीबन 78% जा रही है। अगर हम लिटरेसी की बात करें इंडिया की तो इंडिया की 87% जा रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर लेंगे हम। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। वो अगर वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो हम भी फोकस, दरअसल हमारी जो हम जो लोग हैं ना, हम खुद बहुत बड़े तजिया निगार हैं, हम अपने एम पे फोकस नहीं कर रहे। एग्जैक्टली बस मैं यही बात करवाना चाह रहा हूँ कि हम कहते हैं कि भाई मैं चौधरी हूँ तो बाकी सारे जीरो हैं। जहाँ भी देख लेना, कोई पार्किंग वाला भी होगा ना, वो भी बैठ के यही बात कर रहा होगा कि तुम मुल्क कैसे जा रहा है, मुल्क यार भाई तुम अपना काम करो। एग्जैक्टली ठीक है, जो काम जो कर रहे हैं उनको करने दो, आप लोग फोकस अपना ठीक रखो। आप लोग नीचे से ठीक हो गए तो ऊपर ऊपर, जैसे हमने बचपन में पढ़ा ना, जैसी इमाम वैसा हुक्मरान, हम जैसे हैं वैसे हमें हुक्मरान, हम अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे। क्या इंडिया को उस तरह का हुक्मरान मिल चुका है जिस तरह को उनको मिलना चाहिए था? नहीं, इंडिया के हुक्मरान फारग हैं, बस बोलते बहुत ज़्यादा हैं, करते कुछ भी नहीं है। अगर हम डेवलप की बात करें, इंडिया की लास्ट टाइम की इस महीने की एक्सपोर्ट पता है कितनी हुई है? नहीं, लास्ट मंथ की एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क की अगर आप देखना चाहते हैं कि तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके एक्सपोर्ट को देखा जाता है, उस मुल्क की जीडीपी को सर्च किया जाता है। अगर हम जीडीपी को सर्च करें तो खाली उनकी मुंबई सिटी की ही जीडीपी 1 ट्रिलियन प्लस जा रही है, जबकि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी इस टाइम जा रही है 3.6% जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंडिया जो है ना वो अभी फाइनेंशियली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जो चीज़ हम मानते हैं उनके एक्टर उन वो जो है ना, एक चीज माने वो मुहिब्बे वतन बहुत ज्यादा है। ओ, वो exactly. अपने जली ना, तेरी भी जली ना। वो अपने मुल्क को बहुत देखते हैं, उनके एक्टर हो गए, उनके छोटे से छोटा फकीर और बड़े से बड़ा एक्टर, सब अपने मुल्क को बहुत देखते हैं। हमारे में ये यूनिटी नहीं है, मैंने पहले भी बात किया, यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो उनके जो एक्टर हैं वो भी बाहर जाके अब अपनी सारी वो करते हैं कि हमारे मुल्क में ये पैसा खर्च करें, ये वो उन लोगों को अपनी मुल्क की तरफ फोकस करवाते हैं, हमारे मुल्क में ये काम नहीं है। तो लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पीस का, कोई प्यार का, कोई लव का मैसेज बॉर्डर के उस तरफ भी, बॉर्डर की इस तरफ भी? यार हमारी फ़ौज अल्लाह का शुक्र है दुनिया की नंबर वन फौज है और इंशाल्लाह ये रहेगी। क्या माँ चौधरी सच्ची में? चर्चा चल रही थी यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसको इंडिया एक्सपोर्ट करने वाला है, तो ये मुद्दे को तो भूल गए, लेकिन इनके इंडिया के सारे मुद्दे याद आ गए और पाकिस्तान के अल्लाह ताला याद आ गए इनको। ना ना, तो आप लोगों को कौन से ताला चाबी याद आ रहे हैं? तो वो सारे ताला चाबी कमेंट बॉक्स में खोल दीजिए आप, ताकि पाकिस्तानी आपके कमेंट्स जब पढ़े तो इनकी आंखों पे जो लगा हुआ ना बेहतर हूरों का चश्मा वो उतर जाए और सच्चाई के धरातल पे आ गिरे। इसके लिए जितने हो सकते हैं उतने कमेंट फेल दीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का, शेयर तो करते ही नहीं हो भैया, शेयर जरूर से जरूर, वो लाजमी है। ठीक है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, एक को फॉलो कर लीजिए आप, एक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हाँ